हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा इनर्शिया वर्सेस रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? एक प्रॉपर्टी है बॉडी का जो रजिस्ट करता है कि अगर हमारा कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में ना आए, अगर मोशन में है तो रेस्ट में ना आए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी को बॉडी का प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगर जितना ज्यादा मास होगा बॉडी में उतना ही ज्यादा क्या होगा? इनर्शिया होगा। अगर ज्यादा वेट का होगा तो उसके अंदर इनर्शिया क्या हुआ? अगर एक बार आपने उसको फोर्स लगा दिया तो वो भागता रहेगा। ठीक है, तो वो रेस्ट में पोजीशन में आने की स्थिति में नहीं रहेगा, वो चाहेगा कि मैं भागता रहूं। अगर मान लीजिए कि कम वेट का है, उसका मास कम है, जैसे साइकिल पर चल रहे हैं, अगर थोड़ा फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगा? रुक सकता है। तो वो कहने का मेरा मतलब यह हो गया कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? इनर्शिया होगा। ठीक है, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालेंगे तो मास, ठीक है, जो रेफरेंस एक्सिस होगा उसको वहां से हम लोग क्या करेंगे? डिस्टेंस का सीजन करेंगे, तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो हमारा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं रोटेशनल इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया इसमें भी सेम चीज है। यहां पर हमने क्या किया कि हमने देखा कि अगर बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, कम अगर मास होगा तो इनर्शिया क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर हमारा कोई रोटेशनल इनर्शिया की मैं बात करता हूं, दैट मींस हमारा कोई ऑब्जेक्ट क्या है? ऐसे सर्कुलर में, ठीक है, और यहां पे देखे होंगे अगर मान लीजिए ऐसे इस तरह से होता है, व्हील होता है, ठीक है, ऐसा है, और एक हमने ले लिया ऐसा ले लिया, इससे बड़ा ले लिया, ठीक है, और ये ऐसा ले लिया। अब यहां पर क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि इसका मास 5 kg है और इसका भी मास, इसका मैंने मास ले लिया 5 kg, ठीक है, मास दोनों का सेम है। अगर रेडियस इंक्रीज होता है तब यहां पे क्या होगा? रोटेशनल इनर्शिया जो निकालेंगे, मतलब जब हम मोमेंट ऑफ रोटेशनल इनर्शिया की मैं बात करूं तो वहां पे ये भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, इनर्शिया इंक्रीज कर देगा। जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा? इनर्शिया इंक्रीज होगा। ये हम रोटेशन की बात कर रहे हैं, इस तरीके से यह क्या होगा? ये मूव करेगा, घूमेगा। अगर मान लेते हैं कि यहां पे मास दोनों का मैंने सेम ले लिया, इसका मैंने मान लिया कि रेडियस जो है, यहां पे रेडियस कितना है, सॉरी रेडियस वहां पे 1 meter है, ठीक है, और इसका रेडियस मैंने ले लिया, रेडियस जो है इसका कितना है? 2 meter। अगर हम यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या है? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां पर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 5। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकलेगा? 5 आ जाएगा। तो मास यहां पे केजी मीटर का स्क्वायर, ये हमारा निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस केस में, मास तो हमारा क्या है? सेम है, मास तो हमने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन हमने क्या कर दिया? रोटेशन की बात कर, रेडियस को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। अब यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 5 × 4, ये कितना हो गया? 20। दैट मीन्स यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? 20 kg/m². अब देखिए यहां से 4 times अगर हमने रेडियस को इंक्रीज किया, यहां पे 1 यहां पे था, यहां पे मैंने 2 किया, तो हमारा इनर्शिया जो इंक्रीज कर दिया, इससे 4 times इंक्रीज कर दिया। इससे हमें समझ में ये आ रहा है कि जैसे जैसे हम यहां पे रोटेशनल इनर्शिया की मैं बात करूं कि हम यहां पे अगर हम रेडियस को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर मास हमारा सेम है, तब हमारा क्या इनर्शिया जो है, रोटेशनल इनर्शिया जो है, वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहां पे हम लोग जो डिस्कस किया हो किसके रेस्पेक्ट में क्या, कि मास जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा इनर्शिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आई होप फ्रेंड्स कि इनर्शिया वर्सेस रोटेशन इनर्शिया में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। थैंक यू।